आज हम बनाएंगे प्याज की कचौड़ी और छोले। तो यहाँ पे छोले के लिए 1 कप मटर को भिगो, 4-5 घंटा भिगो के इसको बॉयल कर लिए हैं। और यहाँ पे 2 बॉयल आलू है, यहाँ पर आधा टेबल स्पून चीनी है, आधा टेबल स्पून जीरा है, और यहाँ पर 1 रफली कटा हुआ प्याज है, 1 टेबल स्पून छोला मसाला है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, और स्वाद के अनुसार नमक है। और यहाँ पर कचौड़ी के मसाले के लिए 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून काली मिर्च, और यहाँ पे 4 लाल मिर्च है, और यहाँ पे 2 कप मैदा है, और आधा आधा कप बेसन है जो भुना हुआ है, आधा कप से भी कम मटर है, और 8 प्याज है जिसको बारीक चॉप कर लिए हैं, धनिया है, अदरक और हरी मिर्च को कूट लिए हैं, और यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के उबला और मैश किया हुआ आलू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुकर लिए हैं, कुकर में तेल डाले, 2 टेबल स्पून इसमें तेल है, और गैस को ऑन करेंगे और तेल को गर्म करेंगे। यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, अब तेल में ये चीनी डालेंगे। चीनी इसलिए डाल रहे हैं कलर अच्छा आने के लिए, जब चीनी एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब तो उसमें जीरा डालेंगे। अब गैस का फ्लेम मीडियम पे रखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चीनी एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब इसमें जीरा डालेंगे। जब जीरा चटक जाएगा तो उसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पर जीरा चटक गया है, अब इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को भूनेंगे जब तक ब्राउन ना हो जाए। प्याज को हाई फ्लेम पे भूनेंगे। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें ये मटर डालेंगे, इसको भूनेंगे 5 मिनट तक। यहाँ पे ये भून चुका है ये, अब इसमें ये आलू मैश करके डालेंगे दोनों, इसको मिलाएंगे अच्छे से। यहाँ पर ये मिक्स हो गया है, अब इसमें ये सारे मसाले डालेंगे। पर छोला बनके तैयार हो गया है, अब इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे थोड़ा सा। इसको मिक्स कर देंगे, इसको ढक देंगे, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथेंगे। आटे को नरम सा आटा गूंथना है, एकदम सॉफ्ट डो लग के तैयार हो गया है। देखिए इतना सॉफ्ट है ये। अब इसको सेट होने के लिए 15 मिनट तक रख देंगे। एक सूती कपड़े को गीला करके इसको ढक के रख देंगे। यहाँ पे सूती कपड़े में लपेट दिए, इसको 15 मिनट तक सेट होने के लिए रख दें। उसके बाद हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, अब तेल में ये अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट है वो डालेंगे। यहाँ पे ये भुन चुका है, अब इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पे प्याज डाल दिए, प्याज को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। प्याज को हाई फ्लेम पे भुनेंगे, पर प्याज हल्का सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें ये मटर डालेंगे और मटर को भी सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। यहाँ पर मटर भी सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें बेसन डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम से लो पे रहेगा। यहाँ पर ये मिक्स हो गया, अब इसमें आलू डालेंगे, अब इसको भी मिक्स करेंगे सब अच्छे से। यहाँ पे ये मिक्स हो गया है, अब इसमें ये मसाला जो था वो पूरा डालेंगे। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून और अपने स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे ये सब अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। यहाँ पर धनिया भी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब 1 मिनट तक भुनेंगे इसको। यहाँ पर 1 मिनट हो गया, स्टफिंग तैयार हो गया है। अब इसको एक थाली में निकाल के इसको ठंडा करना है। ठंडा हो गया, अब इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। ऐसे छोटा सा लोई लेंगे, ऐसे छोटे छोटे बॉल बना के पूरा इसको तैयार करेंगे इस तरह से। यहाँ पर सारे बॉल बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर आटा लेंगे, उसको कप्पे में से निकालेंगे, इसको हल्का सा मस लेंगे बस, और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। इतने बड़े बड़े लोई लेंगे और इस आटे को कपड़े से ढक देंगे। यहाँ पे लोई लेके इसको ऐसे से गोला करके इसको ऐसे करेंगे। इसका बीच का पार्ट मोटा रखेंगे और साइड वाले पार्ट को ऐसे से हाथ अंगूठे की सहायता से इसको पतला करेंगे। ये ध्यान रखना है कि बीच वाला पोर्शन मोटा ही रहे। फिर इसमें एक ये लोई लेंगे, इसमें ऐसे करेंगे और इसको ऐसे पूरा सील करेंगे। फिर इसको ऐसे हाथ, अब इसको ऐसे हाथ से दबाएंगे। अब ये ध्यान देना है कि इस तरह से इसको बेलन से नहीं बेलेंगे, इस तरह से हथेली की सहायता से इसको ऐसे से बड़ा करेंगे। ये किनारे के पार्ट को नहीं, बस बीच के पार्ट को इस तरह से, तभी ये फूलेगा। इसी तरह से सारा बना के तैयार करते हैं। यहाँ पर सारे बन के तैयार हो गए, अब इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल के गैस को ऑन कर दिए हैं। अब तेल को ज़्यादा नहीं गर्म करना है, बस हल्का सा गर्म करना है। यहाँ पर जब डालेंगे एक एक करके सारा डालेंगे। जब ज़्यादा तेज़ ज़्यादा गर्म रहेगा तेल फिर डालेंगे ना, तो ये ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पक पाएगा,
यहाँ पर सारा डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम से लो के बीच रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्का हल्का बबल्स आ रहा है, बस इतना ही तेल गर्म रहना चाहिए। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि धीरे धीरे कैसे इसमें बबल आ रहा है। जब ये ऐसे नीचे से पक जाएगा तो अपने आप ऊपर आ जाएगा फूल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फूल रहा है और ऊपर आ रहा है, और इस एक चम्मच की सहायता से इस पे तेल डालते रहेंगे ऐसे से। ये ध्यान देना है कि गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, मीडियम से लो के बीच ही रखना है, और ऐसे तेल डालते हुए करना है। इसको बार बार चलाना भी नहीं है, बस ऐसे ऊपर ऊपर तेल डालना है। जब एक साइड से हो जाए फिर तब इसको पलटेंगे। यहाँ पर सारे फूल गए हैं और ऊपर आ गए, सबको पलटेंगे। और एक साइड से देख रहे हैं तो हल्के ब्राउन भी हो गए हैं। यहाँ पर सारे फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकालेंगे। यहाँ पर सारा निकाल लिए हैं। अब ये ध्यान देना है गरम तेल में दूसरा वाला जो बैच है उसको नहीं डालना है। अब गैस को ऑफ कर दीजिए 5 मिनट तक के लिए, जब तेल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए फिर उसके बाद दूसरा डालेंगे। बनके तैयार हो गया, अब प्लेटिंग करते हैं।